आपने मुझे बुलाया? एक्चुअली मुझे क्लाइंट से रिलेटेड तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली मैं जस्ट अ सेकंड। ओके सर। क्या बात है, तुम इतना नर्वस क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं सर, बस तभी ठीक नहीं लग रही है। अरे अभी तो 5 मिनट पहले बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हो गया? सब पता नहीं, अचानक से स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम जो मीटिंग है वो आफ्टर लंच करें। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। खाना तो बहुत सारा गिर गया है, मुझे एक बार रेस्टोरेंट फोन करके बता देना चाहिए। हेलो, हाँ सर। हाँ बोलो। सर वो जो खाना मैं आज डिलीवर करने आया था ना अभी साकेत 30 में, सर वो उसकी पैकेजिंग खुली हुई और खाना गिर भी गया है काफी सारा। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता तुमसे पैकेजिंग खुली हो? सर मैं तो स्कूटी एकदम आराम से चलाते हुए आया हूँ और पूरे ध्यान से लेके आया हूँ खाना। देखो ये सब मैं नहीं जानता, चुपचाप टेप लगाओ और डिलीवरी कर दियो। बट सर, सर भैया यहाँ आसपास कोई दुकान है या स्कूटी लेके जाना पड़ेगा? भैया आगे से लेफ्ट लोगे, पैदल चले जाना। ठीक है, थैंक यू। मैडम ये आपका ऑर्डर। क्या हुआ भैया, किसी और को भी ऑर्डर देना है? नहीं मैडम, मुझे वो आपको कुछ बताना था। हाँ बोलिए। वो मैडम अभी आते वक्त ना ये पैकेट थोड़ा खुल गया था और इसमें से थोड़ा खाना भी गिर गया था। गिर गया था, लेकिन कैसे? पता नहीं मैडम, वो मैंने रेस्टोरेंट वालों को फ़ोन करके भी बोला तो वो भी उल्टा मेरी ही गलती निकालने लगे। देखिए आप एक बार ऑर्डर चेक कर लीजिए, अगर आपको सही लगे तो आप रख लेना, नहीं तो मैं आपको इसके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन भैया इसे देख के तो लग ही नहीं रहा कि ये गिरा था। वो मैडम मैंने इसको टेप लगा के दोबारा पैक किया था ना इसीलिए। भैया अगर आपने इतने अच्छे से इस पे टेप लगा ही दी थी कि देख के भी पता नहीं लग रहा है कि ये गिरा था, तो मुझे बताने की क्या जरूरत थी? आप डिलीवर करके भी तो जा सकते थे ना। मैडम जी क्या है ना कि हम बहुत सीधे साधे इंसान हैं और मुझे तो पता है ना कि ये खाने का पैकेट खुल गया था और इसमें से खाना गिर भी गया था, और आपको बताना तो मेरा फ़र्ज़ है। मैं मानता हूँ आपने मुझे इसे दोबारा पैक करते हुए नहीं देखा, लेकिन मैम ये भगवान तो देख रहा है ना, और हम अभी इतना नीचे नहीं कर गए हैं। जब हमें सही और गलत में फ़र्क पता है तो हम हमेशा सही को ही चुनेंगे मैडम। भैया आज जाने अनजाने में आपने मेरी आंखें खोल दी। आज सुबह ही मैंने ऐसी गलती की थी जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे कोई और ना देख रहा हो लेकिन ऊपर वाला वो हमेशा देख रहा है। भैया ये रहे आपके पैसे, और हाँ ये आपके लिए टिप। थैंक यू मैडम। थैंक यू भैया।
to apologize. But for what? Sir, ये रहे आपके 10,000 रुपए. मेरे 10,000? सर, जब आप सुबह केबिन से बाहर गए थे कॉल अटेंड करने, तो आपकी फाइल्स के साथ के 10,000 रुपए पड़े थे. मैंने ये ले लिए थे सर. सर, आज मैंने एक बात रियलाइज़ की है कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन भगवान हमेशा देख रहे हैं. तुम? सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है. आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी फिर नहीं होगा. सर, मेरे घर में कमाने वाले सिर्फ मैं ही हूँ. माँ की दवाइयाँ और भाई का कॉलेज सब मेरे सैलरी से ही चलता है. ठीक है नेहा, मैं तुम्हें फायर नहीं करूँगा. पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बट तुमने आकर खुद ही कन्फेस कर लिया, तो मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ. सो नो नीड टू बी वरी, बट इसे फॉर ग्रांटेड मत लेना. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एंड आई प्रॉमिस सर, आगे से ऐसे कभी कुछ नहीं होगा. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.